हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीषास किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा। गाजर का हलवा सर्दियों में हम सभी बनाते हैं, लेकिन अगर आप इसे बहुत ही सिंपल तरीके से और झटपट बनाना चाहते हैं तो मेरी रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने ली है 1 किलो गाजर। इसको मैंने धोकर छील लिया है और कद्दूकस कर लिया है। 4 से 5 बड़े चम्मच देसी घी, 1 बड़ा कप चीनी जिसको मैंने पीस लिया है, इसके साथ मैंने 5 से 6 छोटी इलायची भी पीसी है, ड्राई फ्रूट्स काजू और किशमिश, 1 बड़ा कप दूध, 5 से 6 बादाम जिनको मैंने भिगो कर छील किया है और छोटे छोटे पार्ट्स में काट लिया है, और 150 ग्राम खोया। सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में गाजर डालेंगे। और इसके साथ किचन में डाल रही हूँ 1 कप दूध। इसको एक बार थोड़ा सा चला देंगे। और लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए हमें इसको छोड़ना है। अब हम प्रेशर कुकर को खोल के रखेंगे। 10 मिनट मैंने इसे लो फ्लेम पे पकाया ताकि गाजर हमारी जल्दी गल जाए और सॉफ्ट हो जाए। अब हम कढ़ाई चढ़ाएंगे और कढ़ाई में अपना हलवा पकाएंगे। अब मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें मैं देसी घी डाल रही हूँ। 4 से 5 बड़े चम्मच मैंने देसी घी लिया है। फ्लेम को लो कर दिया है। देसी घी मेल्ट होगा और इसमें हम डालेंगे हमारा गाजर। अब डाल रही हूँ इसमें गाजर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को थोड़ा सा तेज कर लेंगे। मैंने अभी हाई पे कर लिया है फ्लेम, लेकिन हमें लगातार इसे चलाना है, नहीं तो हमारी गाजर नीचे से चिपक जाएगी। प्रेशर कुकर में डालने से ये हमारी गाजर थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, इससे हमारा हलवा जल्दी बन जाएगा। और मैंने दूध डाला था, इससे इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। हाई फ्लेम पे आप इसे लगातार 5 मिनट तक चलाएं। मिनट तक हमने इसको तेज फ्लेम से चलाया है। अब फ्लेम को थोड़ा सा लो करेंगे और इसमें मैं डालूंगी हमारी पिसी हुई चीनी। इसके साथ मैंने 5 से 6 इलायची पीस ली थी
आप चीनी को इलायची को चीनी के साथ पीसेंगे तो इजीली पिस जाएगी, दिक्कत नहीं आएगी आपको। ऐसे मिक्स करेंगे। चीनी पीस के डालने से चीनी जल्दी घुल जाती है, ज्यादा टाइम नहीं लगता उसको। जब आप बहुत जल्दी में और आपको झटपट गाजर का हलवा बनाना है तो आप इसी तरीके से ट्राई करें। अब इसमें मैं डालूंगी कद्दूकस किया हुआ खोया। और 5 मिनट के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पे ढक देंगे। हो गए हैं, अब हम चेक करते हैं। ये देखिए, ये अच्छे से पक गया है, खोया भी हमारा अच्छी तरह मैरिट हो गया है। एक बार इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। वाह, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। ये देखिए, गाजर अच्छी तरह हमारी पक गई है, आप देख सकते हैं। बस अब हमारा हलवा सर्व करने के लिए रेडी है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। झटपट हमारा 15 मिनट में हलवा तैयार हो गया। अब मैंने हलवे को बाउल में निकाल लिया। अब हम इसे गार्निश करेंगे। डालेंगे थोड़ा सा खोया, कटे हुए बादाम, और काजू और किशमिश। गर्मा गर्म हलवा तैयार है।